अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिफ नक्शबंदी, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त उथल पुथल पैदा हो गई थी जब 24 साल पुरानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने कुछ एमएलए के साथ पार्टी से बगावत करते हुए बीजेपी सरकार को सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया। इतना ही नहीं, अजीत पवार ने एमएलए के साथ साथ पार्टी के निशान यानी घड़ी पर भी कब्जा कर लिया और अपनी पार्टी को असली राष्ट्रवादी पार्टी करार दे दिया। शरद पवार की बनाई गई एनसीपी में खुद शरद पवार ने शायद कभी ये नहीं सोचा होगा कि उन्हीं का भतीजा उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, लेकिन शरद पवार एक दूरअंदेश नेता के तौर पर पूरे देश में जाने जाते हैं। 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार ने बगावत की और शरद पवार ने 4 जुलाई को अपने स्टेटमेंट में यह दावा कर दिया कि ये बीजेपी अलायंस ज्यादा दिन नहीं चलेगा। शरद पवार का यह दावा अब सही साबित होता नजर आ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की राष्ट्रवादी पार्टी को नकारते हुए शरद पवार की एनसीपी को कामयाब किया, जिससे अजीत पवार की महाराष्ट्र अलायंस की सरकार में अहमियत घट गई और इसके नतीजे में शिंदेगढ़ और बीजेपी से अजीत पवार के ताल्लुकात कमजोर होते नजर आने लगे। कमजोर होते ताल्लुकात के 3 अहम रीजन समझ में आते हैं और इसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि अजीत पवार की शायद घर वापसी हो जाए। सबसे पहली वजह तो यही नजर आती है कि अजीत पवार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से शुरू की गई है, उस कार्यक्रम में ना तो मुख्यमंत्री का कहीं नाम लिया और उस कार्यक्रम से मुतालिक पोस्टर्स पर कहीं पर भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तस्वीर नजर नहीं आई। तो ये पहला इशारा था कि कहीं ना कहीं अजीत पवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से नाराज है। दूसरी एक अहम वजह जो सामने निकल कर आती है वो ये है कि अजीत पवार ने अलग ऐलान ये ऐलान किया कि आने वाली लोकल बॉडीज इलेक्शंस वो अपने दम पर अकेले लड़ेंगे। यानी आज महाराष्ट्र की सत्ता में एकनाथ शिंदे, बीजेपी और अजीत पवार एनसीपी तीनों मिलाकर एक साथ गठ है तीनों का और तीनों ने मिलकर लोकसभा चुनाव भी लड़े थे। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह आ गई या आखिर ऐसे क्या हालात पैदा हो गए जिसकी वजह से अजीत पवार ये ऐलान करने पर मजबूर हो गए कि आने वाले लोकल बॉडीज इलेक्शंस वो अपने दम पर अकेले लड़ेंगे। तो ये थी दूसरी वजह। तीसरी और सबसे अहम वजह, लाख नाराजगियों के बावजूद शरद पवार पिछले दिनों अजीत पवार का एक कार्यक्रम में इंतजार करते नजर आए। जब अजीत पवार प्रोग्राम में आए उस वक्त शरद पवार ने बड़ी गर्मजोशी से अजीत पवार का इस्तकबाल किया। तो ये 3 ऐसी अहम वजूहात है जो इस तरफ इशारा करती है कि अजीत पवार शिंदेगढ़ और बीजेपी अलायंस सरकार से नाराज नजर आते हैं। दूसरी तरफ उन्हें इज्जत देकर शरद पवार वापस अपने खेमे में लाने की कोशिश में है। साथ ही उन्होंने मीडिया में एक स्टेटमेंट भी दिया कि वो आने वालों को रोकेंगे नहीं। इसका मतलब यह है कि अजीत पवार वापस से एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। तो बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले 3 महीने में चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों से पहले फिर एक नया ड्रामा महाराष्ट्र की जनता को शायद देखने को मिल सकता है। तो ये था अजीत पवार पर एक लेटेस्ट अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपसे दरखास्त है कि एशिया एक्सप्रेस टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर लिखें। हम हर छोटी बड़ी घटना को, छोटे बड़े वाक्य को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया।